हेलो फ्रेंड्स, ये क्विक स्टार्ट बुकलेट जैसे ही आप किसी भी चीज़ को टच करेंगे उसके बारे में ये जानकारी दे देता है। ये देखिए, हमने इस भजन को टच किया और ये वाला भजन चल पड़ा। अब आगे चलते हैं, जैसे कि ये गीता का चैप्टर नंबर 10 है, इसको टच कीजिए। अध्याय 10 के आरंभ में भगवान कृष्ण को उनके द्वारा कहे जाने वाले शब्दों को आप इसको सुन लें। उसके बाद जैसे माइंड के बारे में अगर आपने जानना है, यहाँ टच कीजिए। माइंड यानी मन, माइंड तो मन के बारे में ये आपको बताएगा। व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जिसे न हम देख सकते हैं और न स्पर्श कर सकते हैं। और इसी तरह आप इसको 16 लैंग्वेज में सुन सकते हैं, अलग अलग प्रकार की, जैसे कि हिंदी, मराठी, नेपाली, इंग्लिश तो है ही, आसामी, मलयालम, तमिल, गुजराती, पंजाबी, ओडिया, बांग्ला, ये क्या है, कन्नाडा, और स्पेनिश और फ्रेंच में आप इसे सुन सकते हैं। इस डिवाइस को मंगवाने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे कि ये फ़ोटो है श्री कृष्ण भगवान की, इसको टच करके भी आप इसके बारे में जान सकते हैं। जो साउंड है वो आपको सुनाई देगा। इस बुक से आप कुछ भी टच कर लो, जैसे कि मान लो कमजोरी, दुर्बलता, मन पर नियंत्रण, इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो सिर्फ आपने इस डिवाइस को टच ही करना है। और टच करने के बाद ये खुद ही अपने आप जो है, देखो, मन पर नियंत्रण के बारे में बताने लग गया। अब हम अपनी माइंड यानी मन के ऊपर बात करने वाले हैं। ये सारा आपको बताता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूंगा। अगर आप इस पैकेज को मंगवाना चाहते हैं तो ये फुल पैकेज है, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी है, फ्रेंच कोर्स है इंग्लिश स्पीकिंग का। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये जो है मैथ है, स्टिकर बुक है, लर्निंग इंग्लिश है, ये बहुत अच्छी है, फ्रेंच में लर्निंग इंग्लिश आप बच्चों को सिखा सकते हैं। ये पूरा पैकेज है, उसकी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।